शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे देव राजेंद्र, इस संकट को समाप्त कीजिए। अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कीजिए देव राजेंद्र। हम आपको वचन देते हैं कि प्रतिवर्ष से भी अधिक धूमधाम से इस वर्ष हम इंद्र उत्सव मनाएंगे। हाँ इंद्रदेव, आप तो हमारे इष्ट देव हैं। कई पीढ़ियों से हम निरंतर आपकी पूजा करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी हम आपकी पूजा में कोई कमी नहीं होने देंगे। हम पर कृपा कीजिए इंद्रदेव, हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए इंद्रदेव। देखा देवगण, भय बिना होवे न प्रीत, यही कहा था ना मैंने। जैसे जैसे इन वृंदावन वासियों में भय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनके हृदय में मेरे प्रति भक्ति भी बढ़ती जा रही है। क्षमा करें इंद्रदेव, परंतु ये भय कहीं इतना ना बढ़ जाए कि ब्रिजवासियों को आपकी भक्ति त्यागने के लिए विवश होना पड़े। आप कहना क्या चाहते हैं वरुण देव? केवल इतना ही देवराज कि अब आपको ब्रिजवासियों पर आए संकट को रोक देना चाहिए। क्षमा कर दीजिए ब्रिजवासियों को और रोक दीजिए अपने क्रोध की पाषाण वर्षा को। देवगण, आप सभी को ज्ञात है, जब मैं क्रोधित होता हूँ तो इस समस्त संसार में प्रलय आता है, और जो मुझे क्रोधित करता है मैं उसे बचने का एक भी अवसर प्रदान नहीं करता। और कदाचित आप सभी ये भूल रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा है, ये कार्य मेरा नहीं है। देवराज, फिर कौन ला रहा है ये संकट ब्रजमंडल पर? अग्निदेव, अग्निदेव, कदाचित ये ज्ञात करने का कार्य तो परम अवतार कान्हा का है ना, और कदाचित इसी कारणवश तो वो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, और इसी कारणवश तो वो वृंदावन में लीला पर लीला करे जा रहे हैं। पर देवराज, ब्रिजमंडल में आपकी भी पूजा होती, इसलिए ब्रिजवासियों की इस संकट में मदद करना आपका भी धर्म है। नहीं वरुण देव, यदि मैंने इस समय इस संकट को समाप्त कर दिया तो इन तुच्छ वृंदावन वासियों को यह लगेगा कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, और इस समय मैं ये चाहता हूं कि श्री कृष्ण को भी ज्ञात हो जाए कि समस्त संसार में यदि मनुष्यों का कोई संरक्षक है तो वो केवल और केवल देवराज इंद्र ही है। इसलिए अब ये संकट तो तभी टलेगा जब श्री कृष्ण स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, और इन वृंदावन वासियों के समान इंद्र की पूजा नहीं करते, देवराज इंद्र की। गोपाल, यहीं से ले गए थे हम ये पत्थर। गोपी,
पहली बार तुम कोई सही जानकारी लेकर आई। गोपाल, करते तो हम हर बार सही हैं, क्योंकि हम राधा हैं, इसलिए राधा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ठीक है गोपी, बांध लिया। मानोगे कैसे नहीं, आज तक कोई जीता राधा से जो तुम जीतोगे बड़ बोले गोपाल। गोपी, पहले इस पाषाणसुर की समस्या को समाप्त कर ले, फिर बात करें। तो हमने कब रोका है तुम्हें? तुम ही हो जो हमसे उलझ रहे हो। दाऊ, वो असुर इसी पर्वत पर कहीं छुपा है। काना, तो उसे अभी ढूंढकर दंड देता हूँ मैं। दाऊ, हमें उसे पुकारना होगा, क्योंकि यदि वो हमें कोई संकेत दे रहा है वो हमसे बात अवश्य करेगा। हे पाषाण वर्षा करने वाले पाषाण असुर, हमारे सम्मुख आओ। बताओ हमें, क्या चाहते हो तुम हमसे? यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो हम उसे पूर्ण कर सकते हैं, पर तुम्हें सर्वप्रथम ब्रजमंडल पर पाषाण वर्षा करना बंद करना होगा असुर। और यदि तुमने ये पाषाण वर्षा बंद नहीं की तो मेरी मुग्धल से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए सब का असुर। काना, ये कैसा असुर है, कुछ बोलता ही नहीं। दाओ, एक प्रयास और करते हैं। हे पाषाण असुर, हमारे सम्मुख आओ और अपनी समस्या बताओ। हाँ, क्योंकि यदि मैंने अपना मुद्गल उठा लिया तो तुम पूरी जीवन अपनी समस्याओं से नहीं उभर पाओगे। पाषाण असुर, इस गोवर्धन पर्वत से जो तुम अनर्थ कर रहे हो उसे बंद करो, नहीं तो हमें विवश होकर तुम्हारा अस्तित्व समाप्त करना होगा। गोपाल, ये असुर तो कुछ बोलता ही नहीं है, लगता है ये कोई बड़ी योजना बनाने में व्यस्त है। राधा, हम उसकी कोई योजना नहीं सफल होने देंगे, पर तुम्हारी तो ये योजना असफल हो गई ना। कितने प्रयास से हमने इस पत्थर का पता लगाया था और तुमने उस पर ही पानी फेर दिया। गोपी, इसमें मेरा क्या दोष? तो तुम ये कहना चाहते हो कि इसमें भी हमारे ही दोष? यही तुम्हारी समस्या है गोपाल। यदि तुम सफल हुए तो श्रेय तुम्हारा, और यदि तुम असफल हुए तो दोष हमारा। पर गोपी, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कहा भले ही ना हो, पर सोच तो यही रहे हो ना तुम। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। इस पर्वत से बात करने की कोई दूसरी योजना बनानी होगी। काना, अब योजना क्या बनानी है? बस एक बार वो असुर सम्मुख आ जाए, फिर मैं अपनी मुद्गल से मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा बिल्कुल स्पष्ट। मैंने कभी किसी का कोई आहित नहीं किया, फिर भी इन लोगों ने मुझे असुर कहा, मेरे कार्यों को असुर ही समझा। मेरे पर्वत पर आकर भी इन्होंने ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं। काना, असुर नहीं हूं मैं। तुमने भी मेरे संकेतों को नहीं समझा, इसीलिए अब ब्रजमंडल पर केवल संकट नहीं आएगा अपितु विनाश होगा। बहुत लीला करते हो ना तुम, अब देखना मेरी विनाश लीला।